Sir, please let our viewers know that how to live a healthy life in today's scenario, basically in India. ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि जो इंडिया का हेल्थ सिनारियो है वो बड़ा चिंताजनक है. और अपार्ट फ्रॉम पावर्टी एंड अपार्ट फ्रॉम मैनी पीपल हु कांट अफोर्ड मेडिसिन, पर्टिकुलरली प्राइवेट मेडिसिन, सब चीज़ों के ऊपर हमें जो अभी इंडिया में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो है कि पोल्यूशन है. और ये पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली या बॉम्बे में नहीं है, या ये बहुत ऑल अक्रॉस इंडिया मैं कहूँगा जो पोल्यूशन का मुद्दा है. इसके क्या कारण हैं मैं सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये हमारी सरकार की फ्रॉम द बिगिनिंग जो पुअर प्लानिंग रही है, जहाँ इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे शहरों का 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या हाल होगा, किसी ने इसके चीज़ बारे में सोचा ही नहीं. विद द रिज़ल्ट क्या हुआ है कि माइग्रेशन जो हुई है गांव से शहरों में हुई है, वो भी क्योटिक अर्बनाइजेशन हुई है हमारे कंट्री में. बहुत सारे लोग आ गए हैं, जैसे दिल्ली में अगर देखा जाए तो इतने लोग हैं, इतनी गाड़ियां हैं कि बहुत पोल्यूशन का कारण वो बन गई हैं. सो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी. गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया में, दे हैव टू डिवेलप Tier 2, Tier 3 सिटीज़. वहाँ इतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि लोग ज़्यादा मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ना आए, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उन सिटीज़ में ज़्यादा अच्छी होगी. लेकिन इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि 50-50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पे भी अगर आदमी कोई काम करता है तो वो मॉर्निंग में आ सकता है, शाम को जा सकता है. सो दे हैव टू डी कंजेस्ट दी सिटीज़ बाई डिवेलपिंग पेरिफेरल टाउन्स. दैट्स वन थिंग. द सेकेंड, दे हैव टू रियली कर्टेल द नंबर ऑफ व्हीकल्स. आई थिंक देर शुड बी हैवी टैक्सेशन. पीपल शुड बी डिस्करेज नॉट टू यूज़ देयर व्हीकल्स. डीजल व्हीकल्स पर्टिकुलरली शुड बी बैंड वेयर एवर देर इज मोर पोल्यूशन. नाउ एज फॉर इंडिविजुअल कंसर्न, वो हम क्या करें, जो लोग हैं वो क्या करेंगे. लोगों को भी चाहिए कि भाई हर आदमी को दिल्ली या जो मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, वहाँ नहीं रहना, कुछ छोटे शहरों में भी जाना चाहिए. अगर आपने कुछ ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज करनी है तो पीपल शुड लुक दो सिटीज़ विच आर लेस पोल्यूटेड. दूसरा, जहाँ जहाँ भी पोल्यूशन है उनको जो मैक्सिमम पोल्यूशन का टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग में, दे शुड नॉट गेट आउट ऑफ द होम्स ड्यूरिंग दैट टाइम. एयर जो प्योरीफायर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े घर में कितने लगाओगे. हाँ, एक बेडरूम में लगा सकते हो, उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाई एंड लार्ज वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा. जब भी आपने बाहर जाना है, जैसे आजकल दिल्ली में अगर मॉर्निंग में आप जाते हो, तो मैं सीरियसली रिकमेंड करूँगा कि उनको मास्क पहननी है, और वो भी N95 वाली, जो कि वो 2.5 माइक्रोन वाली जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर ले, ताकि वो हमारे बॉडी में ना जाए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. बाकी जहाँ तक कॉमन हेल्थ की बात रही, जैसे इंडिया में अभी भी कोई ट्रेडिशन नहीं है रेगुलर एक्सरसाइज, सम काइंड ऑफ योगा, सम काइंड ऑफ मेडिटेशन. और एक जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है जो इंडिया में नहीं करते लोग, हर इंसान को चाहिए कि साल में कम से कम एक बार कोई अपना मेडिकल चेकअप, थोड़े बहुत ब्लड टेस्ट, जैसे ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह की चीज़ें करनी ज़रूर चाहिए. इंडिया में मरीज़ तब आते हैं जब उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उसके पहले कभी नहीं आते, और फिर वो बाद में पछताते हैं. सो हमें, वी नीड टू डिवेलप ए कल्चर ऑफ रेगुलर बॉडी चेकअप्स, हेल्थ चेकअप्स बिफोर यू डिवेलप द प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच.